हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एट द लीगल। हम लोग BNSS का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का चैप्टर 5 अरेस्ट पढ़ रहे थे। इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो फर्स्ट पार्ट इसका डाल दिया है, जिसमें सेक्शन 1 से लेके 48 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज सेक्शन हम लोग 49 से और उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देख लीजिए, तब फिर 49 से आज सेक्शन स्टार्ट करके आज इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और थैंक यू, आप लोग का बहुत अच्छा फेवरेबल कमेंट्स आता है मेरे को, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। लाइक्स और कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए सेक्शन 49 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 48 तक हम लोग देख लिए थे कि सेक्शन 48 में क्या देखे थे कि जो ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट ETC, जो कि उसके रिलेटिव या फ्रेंड्स को बताना होता है, ऑब्लिगेशन होता है पुलिस ऑफिसर का कि ठीक है कि वाइल मेकिंग एन अरेस्ट उसके फ्रेंड्स या रिलेटिव को बताना। उसके बाद मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि चेक करना कि पुलिस ऑफिसर अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल किए हैं कि नहीं। तो ये सेक्शन 48 में देख लिया है। सेक्शन 49 हमारा बात करता है सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन क्या है कि अगर कोई पर्सन किसी को अरेस्ट करता है, ठीक है, विथ वारंट और विदाउट वारंट, द अरेस्टेड पर्सन कैन नॉट फर्निश बेल और अनेबल ऑफ फर्निश बेल, द पुलिस ऑफिसर कैन सर्च द पर्सन एंड ऑल थिंग्स एक्सेप्ट हिज क्लोथ शुड बी नोटेड बाय द पुलिस ऑफिसर एंड गेट हिम साइन। अगर पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करता है, ठीक है, क्या कह रहा है इस सेक्शन में कि पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करता है या तो विथ वारंट या विदाउट वारंट, और वो पर्सन जो है वो बेल एंड बॉन्ड फर्निश करने के लिए सक्षम नहीं है या नहीं कर सकता है, तो उस कंडीशन में पुलिस ऑफिसर जो है उसको क्या करेगी, सर्च करेगी, ठीक है, देखेगी उसके पास क्या क्या सामान है। ठीक है, अरेस्ट करने के बाद ऐसे ही जनरली पुलिस ऑफिसर उसके हाथ सामान चेक करते हैं, क्या क्या ही रखा है, कोई हथियार वथियार तो नहीं रखा है, ठीक है, तो उसके कपड़े को छोड़ के वो सारा चीज सर्च करेगी और उसके पास जो जो पाया जाएगा, अच्छा सोना का 2 सिकड़ी पाया गया, अच्छा 2 हीरे के अंगूठी पाए गए, तो उसको एक नोट डाउन करेगी, ठीक है, कि इसके पास क्या क्या मौजूद था, क्या क्या रखा हुआ था अपने साथ। फीमेल टू बी सर्च्ड बाय अनदर फीमेल ऑफिसर। देखो ये जनरल सा ऑब्वियस सा बात है कि अगर कोई फीमेल अपराधी को अरेस्ट किया गया है तो उसको सर्च एंड कौन करेगा, तो एक महिला पुलिस अधिकारी ही करेगी, महिला कांस्टेबल ही करेगी उसको सर्च, ठीक है। इसमें सेक्शन 48 में क्या था, सिंपल सा क्रंच यही है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करता है तो उसके कपड़े के अलावा सब कुछ सर्च करेगी, उसको देखेगी कि उसके पास क्या क्या है और उसको नोट डाउन करेगी। अगर कोई फीमेल है तो उसका जो सर्च होगा वो फीमेल ऑफिसर के द्वारा होगा। सेक्शन 50 जो है क्या कहता है, पावर टू सीजर ऑफेंसिव वेपन। अरे जनरल सा बात है भाई कि अगर किसी को पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लिया, ठीक है, और उसके पास चाकू है, छुरी है, ठीक है, कैची है, ब्लेड है, कोई ऐसा ऑफेंसिव हथियार है जिससे किसी को चोट पहुंच सकता है, जिसको किसी से चोट लग सकता है, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उसके पास रहने देगा, नहीं रहने देगा भाई, उसको रख लेगा अपने पास कि अब इसका क्या काम है, जहां से तुम काम करके यहां पहुंच गए हो अब तुम इसका क्या करोगे। पुलिस ऑफिसर वैसे ऑफेंसिव वेपन को अपने पास रख लेगी। क्या कहता है, एक बार रीड आउट कर दे, द पुलिस ऑफिसर एंड अदर पर्सन मेकिंग अरेस्ट अंडर दिस संहिता मे इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट इज मेड टेक फ्रॉम द अरेस्टेड पर्सन एनी ऑफेंसिव वेपन देन टेक इट ओन कस्टडी एंड प्रोड्यूस इन द कोर्ट और सेंड द सीनियर पुलिस ऑफिसर। ठीक है, उसको अपने कस्टडी में रखेगा, कोर्ट में अगर प्रोड्यूस करने का बारी आए तो वहां प्रोड्यूस करेगा, नहीं तो अपने सीनियर अधिकारी के पास भेज देगा अगर कोई उसके पास ऑफेंसिव वेपन ये सब प्राप्त होता है। कुछ है नहीं इस सेक्शन में। चलिए अब आते हैं, हम लोग सेक्शन 50 तक देख लिए, अब जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 51, 52, 53। इन सेक्शन को हम लोग साथ में पढ़ेंगे, मतलब एक साथ पढ़ेंगे। देखो तीनों हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, पहला सेक्शन 51 क्या बात करता है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन। ठीक है, इसमें जोड़ लेना एक्यूज्ड पर्सन एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, इसमें जोड़ लो एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। ठीक है, जो कि सेक्शन पहले CRPC के सेक्शन 53 में था।
दूसरा सेक्शन 52 सीआरपीसी के सेक्शन 53 ए में था, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम, जो रेप की सॉरी रेप का एक्यूज्ड है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रावधान जो था सेक्शन 53 ए सीआरपीसी में था, अब सेक्शन 52 में है। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन, ये पहले सेक्शन 54 में था अब 53 में है, ठीक है। अब मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम जो कि ऐड किया गया था 2005 में, अभी करेंटली ये सेक्शन 84 में है, ठीक है, पहले सीआरपीसी के 164 ए में था। तो हम लोग यहां पे तुम लोग बेयर एक्ट में नोट कर लेना कि हम लोग सेक्शन 51 52 53 एंड रीड विथ सेक्शन 184 साथ में हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या था, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। दूसरा मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप एक्यूज्ड, जो रेप का एक्यूज्ड होगा उसका हम लोग मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तीसरा मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन, ये सेक्शन 53 में। और मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम जो कि 2005 में जोड़ा गया था वो अब 184 सेक्शन में है, ठीक है। अब चलो हम लोग सेक्शन 51 पढ़ते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, यानी कि किसी एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन करना किसके रिक्वेस्ट पे, पुलिस ऑफिसर के रिक्वेस्ट पे, यानी पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करता कि सर इसका या मेडिकल जो भी प्रैक्टिशनर है उसको कि इसका मेडिकल एग्जामिनेशन कर लीजिए, तो फिर हम लोग को उसे अकॉर्डिंग काम करना होगा। क्या कहता है सेक्शन 51 स्टेट दैट्स एनी पुलिस ऑफिसर, देखो ये एनी पुलिस ऑफिसर को ना अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। एनी पुलिस ऑफिसर पहले नहीं था, सीआरपीसी में था कि वो एसआई के रैंक का कम से कम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसको अमेंड किया गया और कहा गया कि एनी पुलिस ऑफिसर, किसी भी पुलिस ऑफिसर का अगर स्टेट्स दैट एनी पुलिस ऑफिसर कंडक्ट अ मेडिकल एग्जामिनेशन थ्रू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। क्या कह रहा है, कोई भी पुलिस अधिकारी मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकता है, किसके थ्रू करवाएगा, तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या होता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, ठीक है। ऑफ अ पर्सन ही हैज अरेस्टेड फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्ट सम एविडेंस, पुलिस ऑफिसर यूज सर्च फोर्स एज इज नेसेसरी रीजनेबल फॉर दैट पर्पस। देखो क्या कह रहा है कि देखो पूरा क्रंच समझो, सेक्शन 51 ये कह रहा है कि किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सकता है, पहला। दूसरा किससे करवा सकता है, तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से करवा सकता है। तीसरा क्वेश्चन किसका करवाएगा, तो अरेस्टेड पर्सन का करवाएगा जिसको उसने अरेस्ट किया है। चौथा किस लिए करवाएगा, तो कलेक्शन ऑफ सम एविडेंस, यानी कुछ साक्ष्य उससे मिल जाए इसलिए हम लोग करवाएंगे उसका मेडिकल। अब पांचवा कि किस तरह से करवा सकता है, तो पुलिस ऑफिसर बोला कि अगर वो फोर्स इस्तेमाल करेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवा रहा है, तो हम उसको फोर्सफुली भी मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं जितना नेसेसरी रीजनेबल फोर्स हम लगा सकते हैं। सेक्शन सब क्लॉज वन आप समझ गए कि कौन करवाएगा, तो एनी अरेस्ट पुलिस ऑफिसर करवाएगा। क्या करवाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएगा। किससे करवाएगा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से करवाएगा। क्यों करवाएगा, अरेस्ट कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए। किसका करवाएगा, तो अरेस्टेड पर्सन का कराएगा। और प्रोसीजर क्या होगा, तो फोर्स इस्तेमाल कर सकता है, रीजनेबल फोर्स, अगर वो नेग्लेक्ट कर रहा है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर है, तोड़ के पढ़ोगे ना तो एकदम समझ में आ जाएगा तुरंत और याद भी रहता है, ठीक है। सब क्लॉज टू क्या कहता है, When the female is examined under this section, the examination shall be made only by under the supervision of a female registered medical practitioner. क्या कह रहा है कि अगर कोई महिला को गिरफ्तार किए है और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है, तो वो एग्जामिनेशन कौन करेगा, या तो कोई महिला रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर होगी वो करेगी, और नहीं तो किसी फीमेल जो होगी उसके सुपरविजन में होगा, ठीक है। तीसरा, द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सेल विदाउट एनी डिले फॉरवर्ड द एग्जामिनेशन रिपोर्ट टू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ये आयो साहेब को, जो मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है जिसने एग्जामिनेशन किया, वो बिना किसी डिले के
क्या करेगी, जो भी रिपोर्ट तैयार हुआ है, रिपोर्ट तैयार हुआ है मेडिकल एग्जामिनेशन का, उसको वो रिपोर्ट किसको भेज देगी, तो उस केस के आयोग को भेज देगी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भेज देगी। कुछ नहीं था इसमें, क्लियर है। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन में बताया है कि क्या क्या है। इन दिस सेक्शन एज वेल एज सेक्शन 52-53 जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें एग्जामिनेशन और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब क्या है, इसको एक्सप्लेनेशन में क्लियर कर दिया है। एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी का ब्लड चेक करना, ब्लड स्टेन, खून का धब्बा जो है, सीमन चेक करना, ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंस क्या हुआ है, जो हम लोग उसको बोलते हैं ना, पेनिट्रेशन हो गया, ठीक है, और भी तरह का जो भी स्वेक का है, हेयर है, फिंगर है, नेल है, डीएनए टेस्ट, तो एग्जामिनेशन में सब चीज इंक्लूड है, ठीक है। दूसरा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होते हैं, तो मींस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मींस अ मेडिकल प्रैक्टिशनर हु पोजेसेस एनी मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड अंडर नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 एंड हुज नेम बी इंटर्ड इनटू नेशनल मेडिकल रजिस्टर और अ स्टेट मेडिकल रजिस्टर। यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब ये हुआ, वैसे छात्र या छात्रा, वैसे डॉक्टर जिन्होंने अपना क्वालिफिकेशन है, मेडिकल क्वालिफिकेशन है, वो कहाँ से लिया हो, तो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के तहत उनको मिला, प्राप्त हो, और उनका नाम या तो नेशनल मेडिकल रजिस्टर में दर्ज हो या तो स्टेट मेडिकल रजिस्टर में दर्ज हो, यही साफ साफ कहा है। अब आते हैं सेक्शन 52। देखो पहले क्या था, ये 53A में था, सीआरपीसी में 53A में था, लिख लो 53 में ए में था, जिसको जोड़ा गया था 2005 में, ठीक है। अब क्या है, ये 52 में है, ठीक है। 52 क्या कहता है, एग्जामिनेशन ऑफ ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर कोई एक्यूज्ड ऑफ रेप है, ठीक है, किसी पे रेप के चार्जेस लगे हैं, ठीक है, और उसका एग्जामिनेशन कैसे होगा मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक केस है इसमें, रिचपाल खर्रा वर्सेस स्टेट 2015, ठीक है। इस केस में क्या है, व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ रेप, ऑफेंडर शुड बी सब्जेक्टेड टू मेडिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन ऑफ मटेरियल फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग एज प्रोविजन ऑफ सेक्शन 53A सीआरपीसी इज मैंडेटरी, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति एक्यूज्ड है रेप के चार्जेस का, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, साथ ही साथ उसका डीएनए प्रोफाइलिंग भी होगा, और ये क्या है, मैंडेटरी है। क्या है, मैंडेटरी है। ये किस केस में कहा गया था, रिचपाल खर्रा वर्सेस स्टेट 2015, ठीक है। अब देखो इसका सब क्लॉज वन क्या कहता है, सेक्शन का सब क्लॉज वन क्या कहता है, कि इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड इन दिस केस रेप, ठीक है, या अटेम्प्ट टू कमिट रेप। क्या बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन अरेस्ट होता है, या तो वो रेप कमिट कर चुका है या अटेम्प्ट कर रहा था रेप करने का, देन पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उसका एक मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा। किस पर्पस के लिए करेगा, तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए करेगा, ठीक है। क्या है कहानी, समझ गया, कि अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है, या तो वो रेप कर रहा था, कर दिया है, या फिर अटेम्प्ट टू कमिट अ रेप किया है, तो अगर इन एलिगेशन लगे हैं, तो पुलिस ऑफिसर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा कलेक्शन फॉर एविडेंस के लिए। इसमें कुछ फर्दर पॉइंट्स हैं। अगर कहता है कि अगर कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं मौजूद है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है 16 किलोमीटर के रेडियस में From the place where the offence has been committed, क्या कह रहा है कि अगर 16 किलोमीटर के अंतर्गत जहां पे रेप या अटेम्प्ट टू रेप कमिट हो रहा था, प्लेस ऑफ ऑकरेंस के 16 किलोमीटर के अंतर्गत कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है रजिस्टर्ड, या फिर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, तो इन दैट कंडीशन जो पुलिस ऑफिसर है, मेडिकल एग्जामिनेशन कोई भी अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। अगर सरकारी नहीं है तो किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर जो भी उधर मौजूद है उनके तहत हो सकता है, ठीक है, यानी प्राइवेट से करवा सकता है। और पुलिस ऑफिसर जो है, अगर वो जो अपराधी है वो मेडिकल ये नहीं एग्जामिनेशन करवाने से इनकार कर रहा है, तो पुलिस ऑफिसर रीजनेबल फोर्स है,
उसका इस्तेमाल करा सकते हैं। देखो पुलिस ऑफिसर तो दे थप्पड़ ले लपड़ करते हैं, ठीक है, उसके बाद दे चाटे उसको पढ़ते हैं, अरे नहीं करवाओगे डंटे खाओगे पूरे एकदम। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है कि रीजनेबल फोर्स, जितना अगर वो इस्तेमाल कर रहा है तो आप रीजनेबल फोर्स उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सब क्लॉज टू इसका क्या कह रहा है, द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कंडक्टिंग सच एग्जामिनेशन सेल विदाउट एनी डिले एग्जामिन सच पर्सन एंड प्रिपेयर ऑफ रिपोर्ट ऑफ हिज एग्जामिनेशन। देखो मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर उसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो बिना किसी डिले के कुछ रिपोर्ट तैयार करेंगे, ठीक है। क्या रिपोर्ट में क्या क्या होगा, रिपोर्ट में क्या क्या होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ एक्यूज्ड, यानी उस एक्यूज्ड का क्या नाम है, उसका पता क्या है, साथ ही साथ में उस पर्सन का भी नाम लिखेंगे जो व्यक्ति उसको लेके आया है। फॉर एग्जाम्पल कोई पुलिस ऑफिसर, एक्स नाम का पुलिस ऑफिसर उसको लेके आया रेप एक्यूज्ड को, तो हम लोग एक्यूज्ड के नाम के साथ साथ एक्स का भी नाम लिखेंगे जो उसको लेके आया है, ठीक है। एज एफ एक्यूज्ड लिखेंगे, एज क्या है एक्यूज्ड का। तीसरा मार्क ऑफ इंजुरी, उस एक्यूज्ड पे अगर कोई शरीर पे कोई चोट है निशान है, ठीक है, उस सब चीज को हम लोग लिखेंगे, अगर चोट लगा हुआ है ये सब चीज को लिखेंगे। द डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम द पर्सन ऑफ एक्यूज्ड फॉर अ डीएनए प्रोफाइलिंग। फॉर एग्जाम्पल हम डीएनए उसका चेक कर रहे हैं, और डीएनए प्रोफाइल रिच पार्क खल्ला वाला देखे ना, खर्रा वाला, कि डीएनए के जरूरी है, मैंडेटरी है ऐसा, ठीक है, तो कर रहा है कि अगर डीएनए प्रोफाइलिंग आप किसी का कर रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल उसका नाखून लिए हैं, उसका बाल लिए हैं, ठीक है, उसका सीमेन वेमेन ब्लड व्लड स्टेन वेस्टेन कुछ लिए हैं, ठीक है, तो उसका भी आप रिपोर्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखिए कि आप उससे क्या क्या लिए हैं डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए, ठीक है। अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स इज रीजनेबल डिटेल, अगर और भी कुछ अगर आप लिए हैं या फिर कुछ डिटेल्स इंपॉर्टेंट है तो आप उसको अपने रिपोर्ट में मेंशन कीजिएगा। सेक्शन सब क्लॉज टू यही कहता है। सब क्लॉज टू कहता है आफ्टर एग्जामिनेशन कंक्लूजन एल्सो बी रिटन बाय द डॉक्टर, ठीक है। एग्जामिनेशन होने के बाद, एग्जामिनेशन जब कंडक्ट करा लेगा तो क्या करेगा, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो क्या करेगा, एक कंक्लूजन ड्रॉ करेगा कि ये इस समय लेके आया गया था, इसमें ये था, उसमें ये पाया गया, कि उसमें कुछ कुछ भी जो कंक्लूजन हम लोग लिखते हैं, सार जिसको कहते हैं, कहानी का सार पूरा हम लोग बना के लिख देंगे, सॉरी हम लोग नहीं, डॉक्टर साहब लिख देंगे। आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर साहब उसको लिख देंगे। सब क्लॉज फोर क्या कहता है, एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमिंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन सेल ऑल्सो बी नोटेड इन द रिपोर्ट। देखो भाई डॉक्टर साहब का भी बहुत बड़ा काम है यहाँ पे, उन लोग भी लिखेंगे कि कंप्लीशन कब हुआ रिमोट का, और कमिंसमेंट कब हुआ, ठीक है, यानी शुरुआत कब हुआ मेडिकल एग्जामिनेशन का, कंप्लीट कब हुआ, ठीक है, ये सारे चीज नोट करेंगे डॉक्टर साहब कि ये 12 बजे लेके आया गया इस एक्यूज्ड को, हमने 12:05 पे इसका मेडिकल एग्जामिनेशन शुरू किया, 2 घंटा लगातार चला, 2 बजे जाके इसका खत्म हुआ, तो ये सारा चीज डॉक्टर साहब अपने रिपोर्ट में लिखेंगे। पांचवा क्या कहता है, पांचवा क्या कहता है कि द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सेल विदाउट एनी डिले फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू आयो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हु सेल फॉरवर्डेड इट टू द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 193A सब क्लॉज C6, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है अपना, जो विदाउट एनी डिले जो रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट तैयार हुआ है, वो रिपोर्ट जो है आयो साहब को दे देगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दे देगा, और वो आयो साहब फिर उसको मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देंगे अंडर सेक्शन 193A का 6 में, ठीक है। अब क्या है यहां पे, क्या है कि पहले सीआरपीसी में 173 में ये भेजा जाता था, अब जो हमारा बीएनएसएस है ये रिपोर्ट 193A के 6 में जाएगा। यहाँ पे नोट करने का बात है, ठीक है, सेक्शन पहले क्या था, 164A में हम लोग क्या करते थे, रेप विक्टिम जो थी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया करते थे, रेप विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन। अब सेक्शन 184 में हम लोग रेप विक्टिम का, जो विक्टिम ऑफ रेप है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और ये क्या है, डिस्क्रिशनरी है, यानी कि डिस्क्रिशनरी क्यों है कि महिला अगर चाहेगी कि उसका एग्जामिनेशन हो तभी हो सकता है, इसमें फोर्स का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं कि जबरदस्ती कि हमको एविडेंस कलेक्ट करना है आपका तो एग्जामिनेशन हम करवाएंगे ही,
ऐसा नहीं है, ये डिस्क्रिशनरी है उस महिला के ऊपर कि वो अपना एग्जामिनेशन करवाना चाहती है कि नहीं करवाना चाहती है। अगर एग्जामिनेशन करवाएगी तो उसके लिए तो बेटर रहेगा, सजा मिल पाएगी, मिलेगा जो एक्यूज्ड होगा। देखो यहाँ पे एक केस था, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, धड़ल्ले से पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि टू फिंगर टेस्ट, आप लोग सुने होंगे टू फिंगर टेस्ट क्या था, कि रेप विक्टिम को टू फिंगर टेस्ट से गुजरना पड़ता था, जो डॉक्टर साहब थे उसका टू फिंगर टेस्ट किया करते थे, ठीक है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था, बंद कर दिया, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन है, ठीक है। इसको किस केस में कहा गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तो ये कहा गया था लिल्लू एट द रेट राजेश एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2015, और अभी करेंट का केस है शैलेंद्र कुमार राय वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, ये स्टेट ऑफ झारखंड है, ठीक है, 2023 का केस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको देख लेना। अब आते हैं सेक्शन 53 में, सेक्शन 50, देखो तुमसे कोई भी पूछ सकता है कि भाई टू फिंगर टेस्ट जो है टू रेप विक्टिम का, वो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स था, ये किस केस में कहा गया, तो क्या कहोगे, लिल्लू एट द रेट राजेश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2015, करेंट में एक और केस था शैलेंद्र कुमार राय वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड, ठीक है। शैलेंद्र कुमार राय और स्टेट ऑफ झारखंड में तो ये कहा गया, इस केस में तो ये कहा गया कि अगर कोई डॉक्टर उस पे करता है टू फिंगर टेस्ट किसी रेप विक्टिम पे करता है, तो वो भी रेप के कैटेगरी में आएगा, ठीक है, उसको बहुत हार्श सजा मिलेगा, एकदम जेल वेल का सजा एकदम भुगत जाएगा एकदम, इसमें शैलेंद्र कुमार राय में तो ये कहा गया था, ठीक है। सेक्शन 53 क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। देखो ये एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है, एग्जामिनेशन ऑफ अ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि पुलिस ऑफिसर और एक्यूज दोनों इससे बचते हैं। देखो क्या होता है कि हम लोग हमेशा मूवी में देखते हैं ना कि भाई तुम हमको मार नहीं सकते, ठीक है, हम कंप्लेन कर देंगे, थर्ड डिग्री टॉर्चर आप नहीं कर सकते हैं, तो ये जरूरी है। या तो अगर किसी एक्यूज्ड को पहले से चोट लगा हुआ है और बाद में कोर्ट में जाके बोल दे कि हमको तो ये पुलिस वाला मारा है, तो उसमें पुलिस वाले को दिक्कत है, ठीक है, तो या फिर तो इसी तरह से बचने के लिए ये मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर जरूरी है। ये क्या कहता है, सेक्शन 53 स्टेट्स दैट व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ही शैल बी एग्जामिन्ड बाय अ मेडिकल ऑफिसर इन सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, या कोई सरकारी जो डॉक्टर है, ठीक है, जो कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत कार्य कर रहा है, इन सर्विस जो है, ठीक है, इन केस ऑफ मेडिकल ऑफिसर इज नॉट अवेलेबल बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, अगर कोई मेडिकल ऑफिसर नहीं है मौजूद है तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा उसका क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। सेक्शन 53 क्या कर रहा है, अगर कोई अरेस्टेड पर्सन है तो उसका एग्जामिनेशन होगा मेडिकल ऑफिसर इन सर्विस के द्वारा, जो कि सेंटर या स्टेट में है के थ्रू है, या फिर अगर वो नहीं है मेडिकल ऑफिसर तो मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा उसका होगा। एक इसमें न्यू प्रोवाइजो जोड़ा गया है, ठीक है, न्यू प्रोवाइजो इसमें जोड़ा गया है, इफ द मेडिकल और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज ऑफ द ओपिनियन दैट मोर एग्जामिनेशन ऑफ सर्च पर्सन इज नेसेसरी ही मे ऑल्सो डू सो, ठीक है, अगर किसी मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर को ऐसा लगता है, ऐसा अनुमान है कि इसका कुछ और जांच वांच करना चाहिए, एग्जामिनेशन करना चाहिए, तो वो कर सकता है, ये न्यू प्रोविजन जोड़ा गया है, ठीक है। अब देखो इसमें फर्दर प्रोवाइडेड दैट में क्या दिया है कि वेयर द अरेस्टेड पर्सन इज फीमेल, ठीक है, द एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी शैल बी मेड ओनली बाय और अंडर द सुपरविजन ऑफ मेडिकल ऑफिसर एंड इन केस ऑफ मेडिकल ऑफिसर इज नॉट अवेलेबल फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अरे देखो ये सिंपल सा बात है कि अगर कोई महिला को अगर अरेस्ट हुई है
तो उसका एग्जामिनेशन, उसका बॉडी का एग्जामिनेशन किसी सुपरविजन ऑफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा होगा, ठीक है, या मेडिकल ऑफिसर के द्वारा उसका एग्जामिनेशन होगा। और इन केस अगर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफिसर फीमेल ऑफिसर नहीं मौजूद है तो किसी रजिस्टर्ड फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा होगा। ये साफ साफ सब बात है कि किसी भी केस में, अभी हम लोग जितने भी एग्जामिनेशन देखे उसमें किसी भी केस में अगर कोई महिला अरेस्ट होती है तो उसका जो जांच होगा, जो पड़ताल होगा, वो महिला अधिकारी के द्वारा होगा, महिला रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के द्वारा होगा। नथिंग न्यू है इसमें, कुछ भी न्यू नहीं है। इसका सब क्लॉज टू क्या कह रहा है, द मेडिकल ऑफिसर मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रिपेयर अ रिकॉर्ड ऑफ सच एग्जामिनेशन मेंशनिंग एनी इंजुरीज मार्क और वायलेंस अपॉन द अरेस्टेड पर्सन एंड अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ इंजुरी। क्या है, जो भी एग्जाम मेडिकल प्रैक्टिशनर या मेडिकल ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, एग्जामिनेशन के दौरान ये रिकॉर्ड करेगा कि जो पर्सन अरेस्ट हुआ है उसमें किसी किसी प्रकार का इंजुरी तो नहीं है, किसी प्रकार का मार्क्स ऑफ वायलेंस नहीं है, चोट वोट का निशान नहीं है, एकदम मार के पुलिस वाले उसको तोड़ फाड़ नहीं दिए हैं, ठीक है। और क्या है, टाइम ऑफ इंजुरी, अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ इंजुरी कि कितने समय तक हो सकता है इसको चोट लगा है, या तो आधे घंटे पहले का चोट है, नया नया चोट है, या 2 साल पहले का चोट है, ऐसा कुछ वो लिखेगा। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है एग्जामिनेशन रिपोर्ट अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी फर्निश्ड बाय मेडिकल ऑफिसर और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा सब सेक्शन 1 में, जो हम लोग देखे कि उसका जो एग्जामिनेशन होगा उसका एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा मेडिकल ऑफिसर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कोई पर्सन है अपने खिलाफ गवाह नहीं देगा, ठीक है। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। उसको जबरदस्ती नहीं बोलेंगे कि आप अपने खिलाफ गवाही दीजिए, आप अपने आप को दोषी ठहराइए, ठीक है। तो लेकिन आपको क्या यहां लगता है कि जो यहां पे मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है वो एक्यूज्ड पर्सन का, वो इसका आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 का वॉयलेशन कर रहा है, ऐसा आपको लग रहा है क्या? क्या कहता है इसमें एक और चीज देखिए, द एक्यूज्ड इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट टिल हिज गिल्टी इज प्रूव्ड, आर्टिकल 11 1 ऑफ UDHR, ठीक है। ह्यूमन राइट्स के जो आर्टिकल हैं उसमें भी यही कहता है, ये प्रिजम्पशन ही है हमारा कि हम लोग जब तक दोषी साबित ना हो हम लोग उसको अपराधी नहीं मानते हैं, ठीक है। द एक्यूज्ड इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट टिल ही इज गिल्टी इज प्रूव्ड, ठीक है। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू एस्टेब्लिश हिज गिल्टी सो नो मैन इज बाउंड टू एक्यूज हिमसेल्फ। ये ड्यूटी है प्रोसिक्यूशन का उसको एक्यूज साबित करने का, तब तक कोई भी एक्यूज जो है वो गिल्टी नहीं है, ऐसा UDHR कहता है। तो इसी से रिलेटेड एक केस है, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालो, ठीक है, 1961 का केस है। इसमें कहा गया था द ऑप्टेनिंग ऑफ एविडेंस बाय मेडिकल एग्जामिन्ड द एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 54 और प्रीवियस 53, ठीक है, इज नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल्स 20 सब क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ग्रांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। ये क्या कहा कि देखो भैया, काठी कालू के केस में कहा गया कि मेडिकल एग्जामिनेशन उसके सेल्फ इंक्रिमिनेशन को हार्म नहीं कर रहा है, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं कर सकते हैं अपने खिलाफ में एविडेंस देने के लिए, अपने खिलाफ में गवाही देने के लिए, इस तरह का, ठीक है। लेकिन जो है जो सेक्शन 53 ऑफ BNSS है ये तो कह रहा है कि मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के लिए, क्या ये आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 का वॉयलेशन है? तो ये केस था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू, इसमें कहा गया कि नहीं भैया ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन के नहीं है, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 का वॉयलेशन नहीं करता है, ये प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं है प्राप्त अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। एक और केस है नंदनी सत्यपति वर्सेस PL दानी 1977, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल सब क्लॉज 3 आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 इज अवेलेबल फ्रॉम द स्टेज ऑफ पुलिस इंट्रोगेशन, ठीक है।
यानी नंदनी सत्यपति वर्सेस पीएल दानी के केस में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट कहती है इसमें कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 वो कब से अवेलेबल है एक्यूज्ड को, तो जब पुलिस के स्टेज ऑफ इंट्रोगेशन है उस समय से मौजूद है ये आर्टिकल, ठीक है। और इंपॉर्टेंट केस है इसमें डीके वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010, तो ये सब इंपॉर्टेंट केस है, एक बार रीड आउट कर लेना। अब आते हैं सेक्शन 54 में। सेक्शन 54 को कब जोड़ा गया था, तो सेक्शन 54 एडेड इन 2005, पहले ये किस में था, 54A में था, 54A में था, अब जो है 54 में है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, ठीक है, ये क्या है, इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड एंड हिज आइडेंटिफिकेशन बाय एनी अदर पर्सन इज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच ऑफेंस, द कोर्ट हैविंग ज्यूरिडिक्शन मे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड एंड हिज आइडेंटिफिकेशन बाय एनी अदर पर्सन इज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच ऑफेंस, यानी कि अगर उसका आइडेंटिफिकेशन को कंसिडर करना जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसका पहचान, ठीक है, जानना उसका करना जरूरी है, तो जो कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है उसको रिक्वेस्ट करेगा, कौन करेगा, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, कि इसका आइडेंटिफिकेशन कराया जाए, ठीक है, इसका पहचान कराया जाए कि कौन है व्यक्ति। देखो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में तुम लोग आइडेंटिफिकेशन परेड पढ़ोगे, आइडेंटिफिकेशन परेड देखो सिंपल सा क्या होता है, देखो आइडेंटिफिकेशन परेड में कि मूवी वूवी में देखते होगे कि 10 गो आदमी को खड़ा कर दिया और एक्यूज्ड को बुलाया गया, पहचानो इसमें से ये आपकी बेटी को उठाया था, किडनैप किया था, ये उठाया था, 10 गो में से चेक करवाएगा, मान लो कि 9वां नंबर व्यक्ति पे जो था उसको देख के बोला यही तो था, यही तो एक्यूज्ड है, यही तो मेरी बेटी को उठाया था, तो यही होता है आइडेंटिफिकेशन परेड, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है। अब देखो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन के रिक्वेस्ट पे हम लोग कोर्ट जो जिसके पास ज्यूरिडिक्शन है वो आइडेंटिफिकेशन करवा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इफ अ पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, ठीक है, सच पर्सन ऑफ आइडेंटिफिकेशन शैल टेक प्लेस अंडर द सुपरविजन ऑफ मजिस्ट्रेट यूजिंग मेथड दैट अ पर्सन इज कंफर्टेबल विथ द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शैल बी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अगर कोई अरेस्टेड पर्सन है, ठीक है, देखो क्या कह रहा है, वो क्या है, मेंटल या फिजिकल डिसेबल्ड है, पागल वागल है, ठीक है, उसका आइडेंटिफिकेशन अगर हो रहा है तो वो किसके सुपरविजन में होगा, तो मैजिस्ट्रेट के सुपरविजन में होगा, और किस तरह का आइडेंटिफिकेशन होगा जिसमें वो कंफर्टेबल हो, ठीक है, और उस तरह के जो आइडेंटिफिकेशन हो गए उसका एक ऑडियो वीडियो भी ग्राफी हो सकता है, वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी हो सकता है, आजकल का जमाना है वीडियो कॉल कर दिया, वो पागल व्यक्ति कहीं रहता हो वहां से वीडियो कॉल करके दिखाए, पहचानो कि यही आपकी बेटी को मारा था, यही आपके बेटा को उठाया था, तो इस तरह का पहचानो वीडियो कॉल से, तो सब चीज हो सकता है, ठीक है, कुछ खास सेक्शन है नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन 55 में, ये क्या कहता है, प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डेप्यूट सबॉर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी कि ये प्रोसीजर के बारे में बात कर रहा है कि पुलिस ऑफिसर कब जो है एक सबॉर्डिनेट को डेप्यूट कर सकता है अरेस्ट विदाउट वारंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि कोई पुलिस अधिकारी है वो अपने से अरेस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, वो किसी अपने सबॉर्डिनेट को बोला कि जाओ उस व्यक्ति को पकड़ के लेके आओ, तो ये कब कर सकता है, ये सेक्शन 55 में हमें बताया गया है। सेक्शन 55 क्या कहता है, सब क्लॉज 1 कहता है व्हेन एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन और एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 13, पहले देखो चैप्टर 12 में था, अब हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में चैप्टर 13 में, क्या कह रहा है कि एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, कोई भी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन और कोई भी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है चैप्टर 13 के अनुसार,
तो रिक्वायर एनी ऑफिसर सबोर्डिनेट टू हिम टू अरेस्ट विदाउट वारंट, अगर उसको चाहिए कोई सबोर्डिनेट कि किसी को अरेस्ट विदाउट वारंट करवा सकता है, या तो वो खुद अपने प्रेजेंस में करवाएगा या अदरवाइज देन हिज प्रेजेंस, यानी अगर वो मौजूद नहीं है वो खाली पावर डेलीगेट कर दिया कि भाई जूनियर साहब जाइए आप इसको पकड़ के लेके आइए, ठीक है, बिना वारंट का, तो वो कर सकता है। देखो इसका क्या कह रहा, ऑफिसर इन चार्ज रिक्वायर्ड टू मेक द अरेस्ट एंड ऑर्डर इन राइटिंग स्पेसिफाइड द पर्सन टू बी अरेस्टेड, कॉज ऑफ अरेस्ट इफ सो रिक्वायर्ड बाय सच पर्सन शैल शो हिम द ऑर्डर। ठीक है, क्या कह रहा है कि ऑफिसर इंचार्ज साहब बोलेंगे कि जाओ अरेस्ट करके आओ तो वो चला जाएगा? नहीं भैया, क्यों जाएगा? ठीक है, तो ऑफिसर इंचार्ज साहब क्या करेंगे, तो राइटिंग में, ठीक है, स्पेसिफाई करेंगे कि कौन से पर्सन को अरेस्ट करना है, क्यों करना है, कॉज ऑफ अरेस्ट भी बताएंगे। और अगर जो जो सबॉर्डिनेट साहब जिसको अरेस्ट करने गए हैं वो बोलेगा कि हमको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, आपके पास तो पावर नहीं है, या फिर आपका ऑर्डर नहीं है, या फिर हमको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, कारण बताइए, तो जो मैं ऑफिसर इंचार्ज साहब उसको रिपोर्ट तैयार करके दिए थे, ऑर्डर तैयार करके दिए थे जिसमें कारण वारण बताए थे, वो क्या करेगा, उसको दिखाएगा, शो हिम द ऑर्डर इफ सो रिक्वायर्ड बाय अ सच पर्सन शैल शो हिम द ऑर्डर, कि देखिए हमको ऑर्डर मिला हुआ है आपको अरेस्ट करने का, ये ग्राउंड है आपको अरेस्ट करने का, हमको ऑफिसर इंचार्ज साहब SHO साहब भेजे हैं कि आपको अरेस्ट करना है, तो वो दिखाएगा उसको। ठीक है, नथिंग इन सब सेक्शन 1 शैल अफेक्ट द पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट अ पर्सन अंडर सेक्शन 35। देखो जो सेक्शन सब क्लॉज 1 में हम लोग देखें कि पुलिस ऑफिसर और ऑफिसर इंचार्ज जो है किसी सबोर्डिनेट को ऐसा वैसा देगा पावर के अरेस्ट करने का, ठीक है, तो ये सेक्शन सब क्लॉज 1 जो है वो पावर ऑफ ए पुलिस ऑफिसर जो कि हम लोग सेक्शन 35 में देख रहे थे स्टार्टिंग का सेक्शन, कि कब पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट का अरेस्ट कर सकता है, जिसमें एक ट्रिक भी तुम लोग बताए थे, सिप्स ऑर्डर 10 पॉइंट है उसमें, तो उसमें कोई अफेक्ट नहीं करेगा। अब आते हैं सेक्शन 56। सेक्शन 56 जो है 55A में था, 2009 में ऐड किया गया था CRPC में, अब ये 56 में है। ये बात करता है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ ए अरेस्टेड पर्सन। ठीक है, ये क्या है, पुलिस ऑफिसर के ड्यूटी है कि रीजनेबल केयर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द एक्यूज्ड को वो ध्यान में रखे, यानी जो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ ए एक्यूज्ड पर्सन है उसका जो भी नेसेसरी मीन्स है, फॉर एग्जाम्पल अस्थमा का पेशेंट है वो, ठीक है, तो वो पुलिस ऑफिसर का ड्यूटी है कि भाई उसको अरेस्ट करते समय उसका जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स है, मेडिकल सामान है, दवाई ववाई है, उसको उसका ख्याल रखे, उसका हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखे। एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए पुलिस ऑफिसर व्हाइल मेकिंग एन अरेस्ट, तो आप लोग ये सब भी पॉइंट लिख सकते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर को उसका ध्यान रखना, या फिर राइट ऑफ ए एक्यूज पर्सन का है कि पुलिस ऑफिसर उसका हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखेगा। अब आते हैं सेक्शन 57। 57 क्या बात करता है, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 57 क्या कहता है कि पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। ठीक है, इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर ही शैल बी प्रेजेंटेड बिफोर द मैजिस्ट्रेट विदाउट अननेसेसरी डिले। ठीक है, और बिफोर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। देखो क्या कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, ठीक है, तो हम लोग देखे थे कि अरेस्ट का पावर या तो पुलिस ऑफिसर के पास है या एनी पर्सन जिसको ऑथराइज है अरेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो वो विदाउट एनी डिले मैजिस्ट्रेट के समक्ष उसको प्रोड्यूस करेगा, सौंप देगा कि भाई हम इसको इस अपराध के लिए अरेस्ट किए थे पुलिस ऑफिसर, और वो मैजिस्ट्रेट के समक्ष उसको प्रोड्यूस करेगा। और कोई अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति उसको अरेस्ट किया है या तो वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन के समक्ष इसको प्रोड्यूस कर देगा कि इसको हम यहाँ से गिरफ्तार किए हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, डिजर्टर है, कुछ भी है, वो पुलिस ऑफिसर के पास प्रोड्यूस कर देगा, या कोई पुलिस ऑफिसर अपना ऑफिसर इंचार्ज सीनियर अधिकारी के पास कर देगा। सेक्शन 58 बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सब सेक्शन एकदम प्री का क्वेश्चन है, एकदम प्री में एकदम धड़ल्ले से पूछेगा। सेक्शन 58 क्या कहता है कि पर्सन अरेस्टेड
नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। यानी हमेशा सुनते होगे ना कि भाई 24 घंटे के अंतर्गत अंदर जो है पुलिस ऑफिसर है वो प्रोड्यूस करना होता है मजिस्ट्रेट के सामने। तो इसका कहाँ प्रोविजन दिया है, तो सेक्शन 58 में दिया है। क्या कहता है, नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी ऑफ अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड शैल नॉट एक्सटेंड टू 24 आवर्स। अगर किसी व्यक्ति को बिना वारंट का अरेस्ट किया गया है तो उसको पुलिस ऑफिसर 24 घंटे के अंतर, अब ऐसा नहीं है कि 24 घंटे दिया हुआ है, ये चीज ध्यान दे देना कि 24 घंटा दिया हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे के में हमको प्रोड्यूस करना है। भाई जितना जल्दी हो सके विदाउट अननेसेसरी डिले हमको उसको प्रोड्यूस करना है अगर किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट किए हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमको वैसे एक्यूज्ड को रखना है, एग्जामिन करना है, पुलिस ऑफिसर अपने साथ रखना चाहती है तो क्या करेगी, एक स्पेशल ऑफ ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट वो ले सकती है अंडर सेक्शन 187। एक स्पेशल ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट लेगी कि हमको अभी कुछ इससे एग्जामिनेशन करवाना है, इससे पूछताछ करनी है, तो बोलेगा कि भाई आप स्पेशल ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट लीजिए अंडर सेक्शन 187। अब क्या कह रहा है, एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मैजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक है, 24 घंटे का एक एक्सेप्शन है यहाँ पे कि 24 घंटे में पुलिस ऑफिसर कब नहीं प्रोड्यूस कर सकती है, तो इसमें जो वो टाइम ऑफ जर्नी है, फॉर एग्जाम्पल एक तो केस था ना विकास दुबे, वो कानपुर वाला केस, ठीक है, उसको कहाँ से पकड़ा था, उज्जैन में जाके पड़ा था महाकाल का टेम्पल से, और उसको ले जाना था, तो फॉर एग्जाम्पल जहाँ से अरेस्ट किया और जहाँ पे वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट पे ले जाने के लिए मान के चलो 27 घंटे का रास्ता है, ठीक है, तो वो 27 घंटे का रास्ता को हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, वो टाइम ऑफ जो जर्नी है वो हम लोग नहीं काउंट करेंगे, कहाँ से प्लेस ऑफ अरेस्ट से टू द मैजिस्ट्रेट कोर्ट तक का जो टाइम ऑफ जर्नी है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 59। सेक्शन 59 क्या कहता है, पुलिस टू रिपोर्ट अप्रिहेंशन। ये क्या कह रहा है कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन सेल रिपोर्ट टू डीएम एसडीएम द केस ऑफ ऑल अरेस्टेड पर्सन विदाउट वारंट। यानी कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन क्या है, वो जो रिपोर्ट जो है डीएम या एसडीएम साहब को देगा कि भाई किस किस व्यक्ति को उसने विदाउट वारंट अरेस्ट किया है, इसमें कुछ नहीं है। सेक्शन 60 इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि एक बार किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है तो वो बस इन तीन तरीके के द्वारा ही डिस्चार्ज हो सकता है और किसी तरह से वो छूट नहीं सकता है जेल से। डिस्चार्ज ऑफ ए पर्सन अप्रिहेंडेड क्या कह रहा है, नो पर्सन विद Who has been arrested by a police officer shall be discharged except या तो बॉन्ड भरेगा या बेल बॉन्ड भरेगा या स्पेशल ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट होगा तभी वो छूट सकता है। अदरवाइज एक बार पुलिस ऑफिसर जिसको अरेस्ट कर लिया तो वो ऐसे ही छूटेगा नहीं जब तक ये तीन चीज ना हो, बॉन्ड या तो भरना होगा या बेल बॉन्ड भरा के होगा, ठीक है, या स्पेशल ऑफ ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट के द्वारा वो छूटेगा। सेकेंड लास्ट सेक्शन क्या है, सेक्शन 61। ये क्या कह रहा है, पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रीटेक। ये क्या है, इफ अ पर्सन इज इन लॉफुल कस्टडी एंड एस्केप्स फ्रॉम द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर द पुलिस ऑफिसर हैव द पावर टू अरेस्ट दैट पर्सन फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर ने लॉफुल कस्टडी में रखा है, लॉफुली अरेस्ट किया है और वो पर्सन क्या कह रहा है कि पुलिस कस्टडी से भाग रहा है या भाग गया है, तो पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि कहीं से भी पूरे भारत में से कहीं से भी उसको पकड़ के लेके आएगा, ठीक है, अरेस्ट कर सकता है उस व्यक्ति को। अच्छा मेरे चंगुल से भागो, कहां भागोगे, पूरे इंडिया में कहीं पे भी छुपे रहोगे वहां से पकड़ के लेके आएंगे। लास्ट सेक्शन ये क्या है, सेक्शन 62 एडेड इन 2009 में एड किया गया था सीआरपीसी में, 60A में है, ठीक है। क्या कहता है, अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू दिस संहिता, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अरेस्ट जो भी होगा, किसी भी व्यक्ति का अरेस्ट होगा वो इसी संहिता के जो भी सेक्शन है उसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, सेक्शन 62 सेज दैट नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट, नो अरेस्ट शैल बी मेड
except in accordance with the provision given under section 65 to 61 followed strictly, यानी जो भी अभी तक हम लोग सेक्शन देखे 35 से 61 तक, उसी के प्रोविजन के तहत उसका अरेस्ट होगा, स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि अपने मन से जैसे तैसे अरेस्ट कर रहे हैं, वैसा नहीं है। ठीक है, इस संहिता के जो भी सेक्शन है उसका स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। अब देखो, तुम लोग का एक टेस्ट है, टेस्ट इसलिए है क्योंकि तुम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट ऑफ ए अरेस्टेड पर्सन इन इंडिया, ठीक है, या राइट ऑफ ए अरेस्टेड पर्सन, इसका मैंने एक आंसर टाइप का तैयार किया है। इसका पीडीएफ कॉपी आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, देखो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540819125। ठीक है, ये व्हाट्सएप है मेरा। ठीक है, इसमें क्या है कि तुम लोग फ़ोन मत करना, व्हाट्सएप पे तुम लोग हाई मैसेज कर देना या फिर अपने बारे में लिख देना, कॉल मत करना भूल से भी, और हम नोट्स तुम लोग को पीडीएफ दे देंगे। अब क्या है राइट ऑफ, देखो राइट ऑफ ए अरेस्टेड पर्सन क्या है, राइट ऑफ ए अरेस्टेड पर्सन क्या है, क्या कहता है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। पहला राइट हम लोग देख लिए कि उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना होगा पुलिस ऑफिसर को, किस ग्राउंड पे अरेस्ट कर रहा है। इसको पढ़ते हैं, अंडर सेक्शन व्हाट, ये तुम लोग का क्वेश्चन है, वीडियो देखे हो ना तो बताओ किस सेक्शन ऑफ बीएनएसएस के तहत एक्यूज्ड पर्सन का ये राइट है कि उसको इन्फॉर्म कराएगा कि किस सेक्शन के तहत किस ग्राउंड पे उसको अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको सपोर्ट करता है। अंडर सेक्शन डैश बीएनएसएस एन अरेस्टेड पर्सन हैज द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस फॉर विच दे आर बीइंग अरेस्टेड। दिस इज ऑल्सो सपोर्ट बाय आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये फिल इन द ब्लैंक्स तुम लोग भरोगे। अब केस लो एक इंपॉर्टेंट है, इसमें जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994, इसमें द सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज्ड दैट द अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड देयर राइट टू बेल। ठीक है, यानी पुलिस ऑफिसर जो जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, इसमें क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ये साफ साफ कहा कि जो अरेस्टेड व्यक्ति है, अरेस्टेड पर्सन है, उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, साथ ही साथ में ये बताया जाए कि उसके पास राइट है बेल लेने का। अगर बेलेबल ऑफेंस में उसको अरेस्ट किए हैं तो उसको बताना होगा कि भाई तुम्हारे पास बेल लेने का अधिकार है, राइट है। दूसरा, राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर मैजिस्ट्रेट विदाउट डिले। अभी अभी करेंट पढ़े हैं इसीलिए हम नहीं लिखे हैं, इसका भी सेक्शन बताना किसमें है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डैश सेक्शन ऑफ बीएनएसएस एंड आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एन अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। ठीक है, इन केस ऑफ किसके केस में, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द गाइडलाइन फॉर द अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ इंडिविजुअल इंक्लूडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। डीके बासु में देखो गाइडलाइन किया गया था कि अरेस्ट कैसे होगा, क्या प्रोसीजर होगा, और 24 घंटे के तहत उसको मैजिस्ट्रेट को के सामने प्रोड्यूस करना है। तो ये सब राइट है उसका एक्यूज्ड पर्सन का, अरेस्टेड पर्सन का। तीसरा राइट क्या है, राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर। ठीक है, ये किस सेक्शन में है बीएनएसएस का, ये बता देना हमको कि अपने जो लीगल प्रैक्टिशनर है, वकील साहब से मिलने का उसको ड्यूरिंग इंट्रोगेशन के समय। ये क्या कहता है, आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ देयर चॉइस। नंदनी सत्यपति वर्सेस पीएल दानी 1978 के केस में क्या कहा गया, इस केस में कहा गया, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट
राइट टू कंसल्ट अ लॉयर बिगेन्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ अरेस्ट, यानी जैसे ही आपको अरेस्ट कर लिया जाता है आपको यह अधिकार है कि अपने वकील साहब से बात कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं, ठीक है। अब राइट टू फ्री लीगल एड, यानी फ्री लीगल एड, हम लोग एक केस देखे जहां पे कोई पुलिस जो एक्यूज पर्सन है वो इतना सफिशियंट नहीं है कि वो बेल बॉन्ड भर सके या बेल करा सके या फिर उसके पास वकील रखने का पैसा नहीं है, तो उसको राइट है फ्री लीगल एड का। सुप्रीम कोर्ट इन अ खत्री 2 वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1981, ठीक है, खत्री 2 वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें क्या गया है, रूल दैट द स्टेट इज द obligated to provide a free legal aid to an indigent accused person, यानी state का ये obligation है कि जो accused person है, indigent accused person है, उसको free legal aid provide किया जाए। दूसरा है हुसनेरा खातून versus state of बिहार, देखो कि PIL में बहुत धड़ल्ले से पढ़े होंगे इसको, ठीक है। Court emphasized that the importance of free legal aid as a part of right of fair trial and speedy trial, ठीक है। एक और इसमें केस है, इंपॉर्टेंट केस है, अजमल कसाब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कसाब साहब का था, साहब तो नहीं है साले, ठीक है, अजमल कसाब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2012, ठीक है। इस केस में भी फ्री लीगल एड के बारे में बात किया गया था कि राइट है एक्यूज्ड पर्सन का कि उसको फ्री लीगल एड मिले, ठीक है। राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। अब देखो फिर से मैंने गैप यहाँ छोड़ दिया है, सेक्शन डैश ऑफ BNSS प्रोवाइड्स दैट द अरेस्टेड पर्सन हैज द राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर टू रिकॉर्ड एंड इंजुरी एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, यानी एट द टाइम ऑफ अरेस्ट में उसके पास क्या क्या इंजुरी थी, ठीक है, उस सब चीज का एग्जामिनेशन करेगा मेडिकल प्रैक्टिशनर। इन केस ऑफ शीला, शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1983, इस केस में क्या कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कहा गया था कि अगर कोई वुमेन प्रिजनर है, वुमेन एक्यूज्ड है, तो उसका जो एग्जामिन होगा किसी महिला के द्वारा किया जाएगा, महिला डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा। अब है राइट टू रिमेन साइलेंट, ये क्या है, ये कैसा राइट है। राइट टू रिमेन साइलेंट इज डिराइव फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अभी अभी पढ़ के आए हैं कि भाई अगर सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, अगर ठीक है, तो वहां पे साइलेंट रहना है। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2-3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को ये पावर देती है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो भी है अपने ही खिलाफ, हम लोग गवाही अपने खिलाफ सबूत नहीं दे सकते हैं, कंपेल नहीं कर सकता है कोई। केस लो है इसमें नंदनी सत्यपति वर्सेस PL दानी, फिर से ये केस लो आ गया 1970। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द नो वन कैन बी कंपेल्ड टू आंसर द क्वेश्चन दे मे इनक्रिमिनेट देम, यानी उस प्रकार के आंसर क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी नहीं है या कंपेल्ड नहीं कर सकते हैं उस तरह के आंसर देने के लिए जिस जो उसके लिए सेल्फ इंक्रिमेटिव हो, यानी उसके खिलाफ में उसका इस्तेमाल किया जाए। अब सातवां राइट है राइट अगेंस्ट हैंडकफ। देखो राइट अगेंस्ट हैंडकफ में हम लोग पढ़ चुके हैं, एक केस लो पहले भी पढ़े थे। दूसरा है द सुप्रीम कोर्ट इन प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेज दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेज दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980, इसमें रूल किया गया था, रूल कहते हैं हैंडकफ इज इनह्यूमेन एंड शुड बी अवॉइडेड अनलेस एब्सोल्यूट नेसेसरी, मतलब जो हैंडकफ है, हथकड़ी लगाना किसी एक्यूज्ड को, ये इनह्यूमेन इन नेचर है, और जो है जब तक कोई नेसेसरी नहीं हो, जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो, हैंडकफ नहीं लगाना चाहिए। एक केस है सुनील बत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट हैंडकफिंग शुड बी यूज्ड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। हैंडकफ कब यूज करेंगे, हमेशा एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में यूज करेंगे। आठवां जो इसका और लास्ट हम लोग राइट इसमें देखे हैं, राइट अगेंस्ट द कस्टोडियल टॉर्चर डेथ एंड यूज ऑफ थर्ड डिग्री मेथड बाय अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है। कस्टोडियल डेथ हमेशा, कस्टोडियल टॉर्चर हमेशा सुनते रहते होगे, ठीक है, कि पुलिस थाने में ही मर गया, ये पुलिस ने इतना मारा उसको कि मर गया, ठीक है।
डिग्री ऑफ मेथड बाय पुलिस ऑफिसर, थर्ड डिग्री मेथड जो पुलिस ऑफिसर यूज करती है। आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करती है कि राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विच इंक्लूड प्रोटेक्शन अगेंस्ट टॉर्चर एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट। ठीक है, आर्टिकल 20 हम लोग को राइट एंड पर्सनल लिबर्टी का प्रोटेक्शन करती है, साथ ही साथ में प्रोटेक्शन देती है कि किसी प्रकार का टॉर्चर या इनह्यूमन कार्य हमारे साथ ना हो। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 प्रोवाइड्स दैट प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन विच ऑब्टेन वायलेट थ्रू थर्ड डिग्री मेथड। फॉर एग्जांपल किसी को थर्ड डिग्री टॉर्चर दे के, अरे भाई तो इतना मारा है उसको सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए कि अपने खिलाफ में गवाही दो ही, तो इससे हम लोग को प्रोटेक्शन आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 करती है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ थे, ठीक है, क्या क्या है। डीके वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, द सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन डिटेल्ड गाइडलाइन टू प्रिवेंट अ कस्टोडियल टॉर्चर एंड डेथ। दिस इंक्लूड द रिक्वायरमेंट फॉर अ पुलिस ऑफिसर टू वियर नेम टैग, मेंटेन अरेस्ट रिकॉर्ड एंड कंडक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डिटेनिस। जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, द कोर्ट इम्फेसाइजेज दैट अरेस्टेड पर्सन शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू टॉर्चर एंड मस्ट इन्फॉर्म देयर राइट। यानी अरेस्टेड पर्सन कोई सब्जेक्ट नहीं है टॉर्चर का कि आप टॉर्चर कर दिए और उसको उसका राइट्स बताइए कि उसको बेल लेने का अधिकार है अगर बेलेबल ऑफेंस में आप अरेस्ट किए हैं, या फिर और भी राइट्स है, फ्री लीगल एड का राइट्स है उसके पास। तीसरा, नीलाबती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द स्टेट इज लाइबल टू पे कंपनसेशन फॉर अ कस्टोडियल डेथ एंड टॉर्चर, री इन्फोर्सिंग द राइट ऑफ लाइफ अंडर आर्टिकल 21। अगर किसी को कस्टोडियल टॉर्चर या कस्टोडियल डेथ हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट को लाइबिलिटी है कि भाई अब उसको कंपनसेशन दिया जाए। ठीक है, लास्ट हम लोग देख रहे हैं केस किशोर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1981, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कीपिंग इन प्रिजनर इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एंड पुटिंग देम इन फेटर विदाउट कंप्लाइंग विद द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सच गिव द प्रिजनर अ हियरिंग वायलेट द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है कि किसी को अकेला कारावास में बंद कर दिया, एकदम किसी से मिलने जुलने नहीं दिया जा रहा है, एकदम निकलने नहीं दिया जा रहा है, एक जगह बंद रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इनह्यूमन इन नेचर है, आर्टिकल 21 का वायलेशन है। ठीक है, तो ये कुछ राइट्स थी अरेस्टेड पर्सन का जो पुलिस ऑफिसर। तो हम लोग आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर पुलिस ऑफिसर नहीं करती है तो और भी बहुत केस है, देखो रुदल सा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार था, एक था भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। अगर पुलिस ऑफिसर अननेसेसरी अनवांटेडली डिटेन कर देती है किसी पुलिस ऑफिसर को, किसी व्यक्ति को, तो उसको कंपनसेशन देना होगा। तो ये था हमारा चैप्टर 5 अरेस्ट। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सप्ताह यानी अपकमिंग संडे, सैटरडे संडे को रिलीज हो जाएगा चैप्टर 6, उसको भी अच्छे से कवर करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, अगर अभी तक देख रहे हो तो अब थैंक यू, चलो गुड बाय।